हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने टीवीएस अपाची आरटीआर 162 भी है, जिसका कि आज हम लोग फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस बाइक को क्या आपको खरीदना चाहिए या नहीं, और कितना ज़्यादा ये बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस बाइक के जितने भी कंपटीटर आते हैं, चाहे पल्सर 150 हो, चाहे FZ 150 हो, चाहे NS 160 हो, उसके साथ हम लोग इस बाइक को कंपेयर करने वाले हैं, ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाएगा किसी भी बाइक को चूज़ करने में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ स्वास्तिक टीवीएस का। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी बाइक को ईजिली चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं आपको डिस्क वेरिएंट है, जिसका कि प्राइस आपको 1,39,000 वन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा हमारे नियर सिटी शोरूम रांची पे। और इस बाइक का ड्रम वेरिएंट का प्राइस आपको 1,36,000 रखा गया है, जो कि पल्सर की तरफ से देखें तो पल्सर में आपको इस बाइक से कम ही प्राइस में देखने को मिल जाएगा। पल्सर का प्राइस आपको 1,30,000 में ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा, बट इस बाइक में आपको 6,000 to 9,000 का प्राइस इस बाइक का आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस बाइक में आपको 160cc का इंजन देखने को मिलता है, बट पल्सर में आपको 150cc का ही इंजन दिया गया है। इस बाइक में टोटल 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बाइक का कलर ऑप्शन का वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इस बाइक का जितने भी कलर ऑप्शन आते हैं वो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इस बाइक के सबसे पहले फ्रंट के बारे में बात करें तो इस बाइक का आप फ्रंट देख सकते हैं। फ्रंट में आपको दो पीस DRL मिल जाता है, जो कि आपको फुल्ली LED लाइट में दिया गया है, बट आपको हेलोजन लाइट सेटअप ही दिया गया इसका हेडलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं TVS का ब्रांडिंग किया गया है। और इस साइड दोनों साइड आप देख सकते हैं आपको ब्लू कलर में मिल जाता है, और बीच में आपको ब्लैक कलर का वाइजर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि TVS आपका इंडियन ब्रांड्स है। इसके फ्रंट की तरफ ही देखें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और इसके फ्रंट फेंडर की तरफ देखें तो आप इसका फ्रंट फेंडर देख सकते हैं आपको डुअल टोन में दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टोटली ब्लू कलर में, और इसके पीछे तरफ आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, जो कि आप डुअल टोन देख सकते हैं। इसके फ्रंट फेंडर में ही आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, रेड और आपको ग्रे और व्हाइट कलर का स्टिकरिंग दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS का आपको ब्रांडिंग किया गया है। और यहाँ पे इस बाइक का ABS प्लेट आप देख सकते हैं। इस बाइक में फ्रंट डिस्क आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, और पेटल डिज़ाइन का इस बाइक का आपको फ्रंट डिस्क दिया गया है। इस बाइक के फ्रंट टायर के बारे में बात करें तो इस बाइक का आपको फ्रंट टायर आपको 1990 सेक्शन का दिया गया है। और इसका अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं टोटली ब्लैक कलर में दिया गया है, जो कि आपको 17 इंचेस का अलॉय व्हील्स दिया गया है। और यहाँ पे आपको TVS रेसिंग का आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, और दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस ही देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के इस साइड देखें तो आप इसके इंजन के जस्ट नीचे आप इसका देख सकते हैं इंजन काउल, जो कि यहाँ पे आपको TVS रेसिंग का ब्रांडिंग किया गया है। और ये आपको ब्लू कलर और इधर आपको ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। और ये बाइक को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बना जाता है इस बाइक के इंजन काउल की वजह से। इस बाइक के मैक्सिमम पावर के बारे में बात करें तो इस बाइक का आपको मैक्सिमम पावर 15.5 BHP का पावर मिल जाता है, और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, जो कि आपको पल्सर से थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिलता है। टॉर्क भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, बट इस बाइक का इंजन आपको 160cc का मिलता है, जो कि आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 FI इंजन के साथ आता है इस बाइक का इंजन, जो कि इस बाइक में आपको एयर कूल्ड ही दिया गया है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। इस बाइक में आप देख सकते हैं यहाँ किक का ऑप्शन को हटा दिया गया है। पहले इस बाइक में आपको किक का ऑप्शन दिया जाता था, जो कि अगर आपको बैटरी प्रॉब्लम हो थोड़ा सा आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। या आपका ब्रेक पैड दिया गया है, इसका आप साइड पैनल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपाची का ब्रांडिंग किया गया है व्हाइट कलर में, और ये भी आपको साइड पैनल आपको कार्बन फिनिश में दिया गया है, और ये आपको ओपन करने का ये जगह दिया गया है। इसके पीछे की तरफ देखें तो इस बाइक में आपको सिंगल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि आप इसका एग्जॉस्ट नट देख सकते हैं। ऊपर में आपको प्लेटिंग देखने को मिल जाता है मेटल का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं RTR का ब्रांडिंग किया गया है। आपको फुटरेस्ट दिया गया है, और इसका रियर सस्पेंशन देख सकते हैं MIG का रियर सस्पेंशन दिया गया है, गैस फिटेड सस्पेंशन मिल जाता है इस बाइक में। इस बाइक के माइलेज के बारे में बात करें तो इस बाइक में माइलेज आपको 45 to 50 KMPL का माइलेज देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन ही मिलता है, जो कि मैं आपको उस साइड से दिखा देता हूँ। इस बाइक के टैंक की तरफ देखें तो इस बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टैंक पे आपको टोटली स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, रेड ग्रे और वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। और यहाँ पे आपको हॉर्स का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको व्हाइट कलर का स्टिकरिंग, और यहाँ पे भी आपको स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है रेड और ग्रे कलर का। तो आप इसका टैंक देख सकते हो टोटली आपको ब्लू कलर में मिलता है। ये आपको मेटल पार्ट्स दिया गया है, बट साइड में आपको फाइबर पार्ट्स दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन फिनिश का प्रोटेक्शन दिया गया इसके टैंक की तरफ। इस बाइक के सीट की तरफ देखें तो सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, राइडर के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीट मिलता है,
पर पिलियन के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का आपको थ्रेडिंग मिल जाता है, जिस वजह से इस बाइक का लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। बैठने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, जिस वजह से ऑफकोर्स आपका हाइट कभी कम है तो आप इजिली इस बाइक को चला सकते हैं। अगर आपका हाइट 5.6 है तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस बाइक को चलाने में। इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो इस बाइक का आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का दिया गया है, जिस वजह से नीचे सटने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और इस बाइक का कर्व वेट आपको 140 kg का दिया गया है, जो कि कर्व वेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। इसके रियर प्रोफाइल की तरफ देखें तो यहाँ देख सकते हैं RTR 160 का ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पे भी आपको इंडियन फ्लैग दिया गया है। नीचे से आपको स्ट्रिप स्टैप में आपको रेड कलर का स्टीयरिंग और इधर आपको व्हाइट कलर का स्टीयरिंग मिल जाता है। इस बाइक में आप देख सकते हैं स्प्लिट ग्रेबल्स में आ गया और यहाँ पे भी आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, इस साइड भी RTR 160 का स्टीयरिंग। इसके रियर प्रोफाइल की तरफ देखें तो आप इसका रियर प्रोफाइल देख सकते हैं, फुल्ली LED लाइट सेटअप इसका दिया गया है इसके रियर टेल लाइट्स में। यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब, यहाँ पे आप अपना नंबर प्लेट, आपका साइड रिफ्लेक्टर और हेलोजन में इसका इंडिकेटर्स मिल जाता है। इस साइड भी आपको साइड रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सारी गार्ड पहले से ही लगा हुआ है और लेडीज़ फुटरेस्ट भी आपको पहले से ही मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं पिलियन का फुटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन में रखा गया है। इस बाइक के रियर टायर के बारे में बात करें तो इस बाइक का रियर टायर आपको 110 सेक्शन का दिया गया है, जो कि आपको TVS कंपनी की तरफ से ही आती है और दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है। और इसका अलॉय व्हील्स आपको 17 इंचेस का मिलता है टोटली ब्लैक कलर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं TVS रेसिंग का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और इसका आप चेन देख सकते हैं टोटली ओपन चेन मिलता है, जिस वजह से आपको लुब्रिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस साइड देखें तो आप देख सकते हैं इस बाइक में साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों दिया गया है, जिस वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस बाइक में आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। और इधर आप इसका इंजन देख सकते हैं टोटली ब्लैक कलर में मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको अपाची का ब्रांडिंग किया गया है। और इधर देखें तो यहाँ पर भी आपको सेम स्टिकर मिलने वाला है उस साइड के जैसा ही। इधर देखें तो आपको लेग गार्ड पहले से ही मिल जाता है और इस बाइक में आपको डुअल हॉर्न्स दिया गया है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं डुअल हॉर्न्स। और इस बाइक में आपको नीचे देखें तो यहाँ पे RTFI का स्टीयरिंग मिल जाता है और TVS रेसिंग का भी स्टीयरिंग मिल जाता है इसके इंजन काउल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो जो कि आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इधर आपको डिजिटल में और इधर आपको एनालॉग में दिया गया है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बट कुछ ना कुछ इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी ड्रॉबैक होने वाला है, क्योंकि इस बाइक में अभी तक आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ इधर देखें तो आपको टोटल किलोमीटर आप कितना ट्रेवल किए हैं वो आपको मिल जाता है, इधर आपको फ्यूल गेज दिया गया है, तो आपको टाइम मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, इधर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, इधर आपको RPM मीटर मिल जाता है, इधर सेट रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, इधर देख सकते हैं आप Trip 1 Trip 2 का भी ऑप्शन मिलता है। इधर आप देखें तो इंजन मल फंक्शन, लो फ्यूल का इंडिकेशन, आपको सर्विस रिमाइंडर, बैटरी इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट का इंडिकेटर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, बट मेन इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए वो थोड़ा सा नहीं मिलता है, आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हर कुछ मिल जाता है इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी आपको एक तो इंडिकेशन मिलता है, जो कि आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर और साथ ही साथ आप यहाँ लेफ्ट टर्न्स और राइट टर्न्स का इंडिकेटर और आपको पासिंग का इंडिकेटर दिया गया, शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। इस बाइक का की देख सकते हैं आपको नॉर्मल डिज़ाइन में इसका की मिलता है, जो कि आपको इग्निशन ऑन ऑफ दिया गया है। इस बाइक के हैंडल बार की तरफ देखें तो इस बाइक का आप हैंडल बार देख सकते हैं, क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है इस बाइक में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं RTR 160 का ब्रांडिंग किया गया रबर फिनिश के साथ। इस बाइक के स्विच गियर क्वालिटी के बारे में बात करें तो आप स्विच गियर क्वालिटी देख सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है पुराने वाले से। आपको लो बीम, आपका हाई बीम, आपका लेफ्ट टर्न और राइट टर्न्स का इंडिकेशन, या आपका पासिंग दिया गया है, या आपका हॉर्न दिया गया है। इस बाइक में आपको डुअल हॉर्न्स मिल जाता है, इग्निशन ऑन ऑफ, या आपका सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस बाइक में आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट पहले मिलता था। इसका आप देख सकते हैं इसका क्लच, जो कि आपको टोटली सिल्वर कलर में मिलता है, जो कि इस बाइक का लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इस बाइक का आप मिरर देख सकते हैं, मिरर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है, जिस वजह से आपको रियर व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाइक के जो भी कंपटीटर है उससे आपको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पल्सर से कंपेयर करें तो पल्सर में आपको 150 cc का इंजन मिलता है, बट इसमें आपको 160 cc का इंजन मिलता है, जिस वजह से ऑफकोर्स इस बाइक में आपको पावर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू पल्सर। और प्राइस भी इस बाइक का आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। एफजेड से कंपेयर करें तो एफजेड में पावर इससे काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, बट एफजेड का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट अच्छा होने वाला है। बट इस बाइक का इंजन में थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा टॉप एंड में, बट एफजेड में आपको कहीं भी वाइब्रेशन नहीं मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन रखा गया है उसका, जिस वजह से उसमें आपको पावर थोड़ा सा कम मिलता है और काफ़ी ज़्यादा वो बाइक आपके कम्यूटेटर सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आप इस बाइक को NS से कंपेयर करें तो NS से इस बाइक में आपको थोड़ा सा पावर कम मिलता है, इस बाइक में आपको पावर कम मिलता है NS से,
बट NS में आपको जाना जाता है कि वो मेनली पावर के लिए ही बाइक बनाया गया है और वो टोटली आपको रेसिंग बाइक होता है। ये भी बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप इस बाइक को लेना चाहें तो आप कोर्स ले सकते हैं। इस बाइक में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक रखा गया है TVS की तरफ से और ये इंडियन ब्रांड है, तो आप कोर्स इंडियन ब्रांड को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको किसी भी बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।